देश भर में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बकरीद के त्योहार का मुस्लिम धर्म में बहुत महत्व है। इस त्योहार को ईद उल अजहा या कुर्बानी का त्योहार भी कहा जाता है। रमजान के पवित्र महीने के ठीक 70 दिन बाद बकरीद मनाई जाती है। बकरीद के मौके पर रविवार सुबह दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज अदा की और खुदा से अमन चैन की दुआएं मांगी। जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में भीड़ देखी गई। नमाज के बाद लोग एक दूसरे के गले मिले और बकरीद की मुबारकबाद दी। बकरीद के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ईद मुबारक, ईद उल अजहा की बधाई। ये त्योहार हमें मानव जाति के भलाई के लिए सामूहिक कल्याण और समृद्धि की भावना को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करे। आपको बता दें, ईद उल अजहा या बकरीद इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे जोश के साथ मनाते हैं। बकरीद इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 12वें महीने में मनाया जाता है। ये रमजान का पाक महीना खत्म होने के 70 दिन बाद मनाया जाता है। बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक साल में 2 बार ईद मनाई जाती है, एक ईद उल फितर और दूसरी ईद उल अजहा। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। इसे रमजान को खत्म करते हुए मनाया जाता है और इसके 70 दिन बाद बकरीद का पर्व मनाया जाता है। मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद बकरे की कुर्बानी दी जाती है। बकरीद के त्योहार को बकरीद, ईद कुर्बान, ईद उल अजहा या फिर कुर्बान बयारामी भी कहा जाता है। आइए आपको बताती है बकरीद का इतिहास। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह के एक पैगंबर हजरत इब्राहिम हमेशा अल्लाह के दिखाए सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। वो सभी से प्रेम करते थे और दूसरे लोगों को भी अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। एक दिन उन्हें सपने में अल्लाह ने आकर उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का हुक्म दे दिया। हजरत इब्राहिम को अपना बेटा इस्माइल सबसे ज्यादा अजीज था। हजरत साहब ने उसे ही कुर्बान करने का फैसला किया। बेटे की कुर्बानी देते समय उनके हाथ न रुक जाएं, इसलिए पैगंबर ने अपने बेटे की कुर्बानी देते वक्त अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर छुरी चलाई और जब उन्होंने अपनी पट्टी हटाई तो इस्माइल सही सलामत था और उसकी जगह पर एक भेड़ पड़ा था। कहते हैं कि अल्लाह ने उनके कुर्बानी की भावना से खुश होकर उनके बेटे को जीवन दान दिया था। तभी से जानवरों की कुर्बानी को अल्लाह का हुक्म माना गया और बकरीद का पर्व मनाया जाने लगा। सोने की लंका एक बार फिर से जल रही है। दरअसल श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद वहां की सरकार हिल गई है। दाने दाने को मोहताज लोगों ने शनिवार को जमकर बवाल काटा। सरकार ने पहले आपातकाल का ऐलान किया था, फिर शहरों में कर्फ्यू लगाया, लेकिन शनिवार को हालात काफी बिगड़ गए। विरोध प्रदर्शन के आगे अब सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार बनाने के फैसले के बाद तुरंत चुनाव का ऐलान किया गया है। वहीं श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा सौंप देंगे। आइए जानते हैं श्रीलंका को लेकर अब तक के बड़े अपडेट्स। आपको बता दें, श्रीलंका में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। कोलंबो स्थित प्रेसिडेंट हाउस पर हजारों प्रदर्शनकारियों के कब्जे के कुछ घंटे बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। गोटबाया 13 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के इस्तीफे के बाद संसद के स्पीकर महिंदा यापा अबेब धरने ने राष्ट्रपति के इस्तीफा देने के फैसले की घोषणा की है। प्रदर्शनकारियों के हंगामे के बीच श्रीलंकाई सांसद हर्षा डिसिल्वा ने कहा कि पार्टी के ज्यादातर नेताओं ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे और संसद के स्पीकर को अधिकतम 30 दिनों के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने पर सहमति जताई थी। उन्होंने आगे कहा कि नेताओं ने चुनाव पर सहमति जताई और कहा था कि सरकार के शेष कार्यकाल के लिए सांसद राष्ट्रपति द्वारा चुने जाएंगे।
उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में सर्वदलीय अंतरिम सरकार नियुक्त कर दी जाएगी। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में भी आग लगा दी। श्रीलंका के पीएम रानिल इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा और उन्होंने प्रधानमंत्री के निवास में आग लगा दी। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री के वाहनों को क्षतिग्रस्त करते हुए भी देखा गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तनावपूर्ण स्थिति भी पैदा हुई। अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए, बावजूद वो उनके घर में घुस गए और घर में आग लगा दी। वहीं आपको बता दें कि श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने के बाद हालात बेहद ही खराब हो गए हैं। आर्मी ने एहतियातन देश के पेट्रोल और डीजल पंपों के बाहर तैनाती शुरू कर दी है। पुलिस को आशंका है कि अगर पेट्रोल और डीजल पंपों पर प्रदर्शनकारियों का हमला होता है तो हालात बदतर हो सकते हैं। श्रीलंका में ताजा हालातों को देखते हुए एहतियातन 15 जुलाई तक सभी स्कूलों के साथ साथ 4 स्टेट यूनिवर्सिटी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, श्रीलंका गंभीर विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहा है, जिसने ईंधन, भोजन और दवा के आवश्यक आयात को सीमित कर दिया है। ऐसे में देश 7 दशकों में सबसे खराब वित्तीय उथल पुथल में डूब गया है। कई लोग देश की गिरावट के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को जिम्मेदार ठहराते हैं। मुंबई से रविवार को ऐसी खबर आई जिसे सुनकर लोग आश्चर्य में डूब गए। एक बैग मिला जिसमें गहने, भगवान की मूर्ति, सिक्के समेत कई सामान थे। इसकी खबर मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। दरअसल बीजेपी एमएलसी प्रसाद लाड के घर के बाहर संदिग्ध बैग मिला। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। बीजेपी एमएलसी प्रसाद लाड के मुताबिक शनिवार की देर रात उनके घर के बाहर एक आदमी गुजर रहा था। उसकी हरकत को देखते हुए सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने उसे रोका। इसके पहले कि सुरक्षा कर्मी उससे कोई जानकारी लेते, उसने एक बैग को जमीन पर रखा और भाग गया। उस संदिग्ध बैग को खोला गया तो उसमें 3 छोटी बैग और मिली। इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने बैग खोला तो उसमें से सोना, चांदी, पैसे, पूजा के सामान मिले। इसके साथ ही कुछ सिक्के भी मिले। पुलिस ने सारा सामान जब्त कर लिया है। इसके साथ ही पता लगा रही है कि आखिर किसने बैग को घर के बाहर छोड़ा और भाग गया। आखिर उसने पुलिस से बचने की कोशिश क्यों की। इस घटना के बाद बीजेपी नेता ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि घर के बाहर सुरक्षा के बावजूद दोबारा ऐसी घटना होना चिंता की बात है। पुलिस को इस घटना के पीछे कौन शामिल है उसका पता लगाना चाहिए। इस घटना के बाद परिवार के लोग डरे हुए हैं। बताते चलें कि कुछ महीने पहले बीजेपी नेता प्रसाद लाड ने आरोप लगाया था कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने मोबाइल पर कॉल करके धमकी दिए जाने का आरोप लगाया था और पुलिस को शिकायत दी थी। प्रसाद लाड ने मीडिया को बताया था कि उन्हें कई बार धमकियां दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। इसी बीच शनिवार की देर रात बीजेपी के नेता के घर के बाहर संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट की गई। जब सुरक्षा कर्मियों ने मामले की जांच की तो एक बैग मिला जिसमें गहने, भगवान की मूर्ति, सिक्के समेत कई सामान थे। इस घटना के बाद बीजेपी नेता ने पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके सहयोगी दल सुभाजपा के अध्यक्ष ओपी राजभर के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। बीते दिनों विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा लखनऊ आए थे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने आरएलडी के जयंत चौधरी को तो बुलाया, लेकिन सपा से विधायक शिवपाल यादव और सहयोगी पार्टी सुभाजपा के ओपी राजभर को आमंत्रित नहीं किया गया, जिसको लेकर दोनों नेता नाराज नजर आए। जिसके बाद दोनों ही नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिनर पार्टी में भी शामिल हुए, जहां एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आई हुई थी। इन सब के बीच ओपी राजभर ने बड़े सियासी संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि अखिलेश यादव अगर गठबंधन तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं, उनके पास कई विकल्प हैं। उन्होंने शिवपाल यादव का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन के लिए शिवपाल यादव और मायावती की पार्टी है, वहां भी जोर लगाया जा सकता है। हालांकि भाजपा से गठबंधन पर उन्होंने कहा है कि और भी पार्टियां हैं, समय आने पर विचार किया जाएगा। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने फिलहाल गठबंधन में किसी भी तरह की दरार को भी खारिज किया है और साथ ही कहा है कि हमारी तरफ से कोई दरार नहीं है। गठबंधन आगे कैसे बेहतर करे, इसके लिए हमने एसी कमरे से बाहर निकलकर राजनीति करने की सलाह दी है।
मायावती की पार्टी एसी कमरे की राजनीति करती रही, जिसकी वजह से पार्टी की ये हालत हो गई है। बताते चलें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आयोजित डिनर पार्टी में ओपी राजभर शिवपाल के साथ शामिल हुए थे। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिनर पार्टी का आयोजन किया था। इसमें सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, राजा भैया और एक बसपा विधायक भी शामिल हुए थे, जिसके बाद से यूपी की सियासत में गठबंधन के भविष्य को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। भारत में कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी आई है। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन सबके बीच रविवार को एक बार फिर देश में कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 18,257 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में इस घातक वायरस से 42 लोगों की जान चली गई है। इस दौरान राहत की बात ये रही कि 14,553 मरीज इस जानलेवा वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं। ऐसे में कुल मिलाकर 4,29,68,533 लोग अब संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। भारत में एक्टिव केस की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,28,690 है, जिससे टेंशन वाकई बढ़ गई है। देश में कोविड 19 के एक दिन में 18,257 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,36,22,651 हो गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,25,428 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक्टिव मामलों में कुल वायरस का 0.30% है, जबकि देश के कोरोना वायरस की रिकवरी रेट 98.50% दर्ज की गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक डेली पॉजिटिविटी रेट 4.22% और वीकली पॉजिटिविटी रेट 4.08% हो गई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो शनिवार को पिछले 24 घंटे में दिल्ली में नए कोविड मामलों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। यहां कोरोना के 544 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। बीते दिन 531 मामले दिल्ली में दर्ज किए गए थे। इस बीच कोविड पॉजिटिविटी रेट मामूली रूप से बढ़कर 3.37% हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या दिल्ली में 2,264 है, जिनमें से 1,595 का इलाज घरेलू आइसोलेशन में किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 607 मरीजों के ठीक होने के साथ ही ठीक होने वालों की कुल संख्या 19,11,756 हो गई है। नए कोविड मामलों के साथ राजधानी में कुल सक्रिय मामले 19,40,302 हो गए हैं। हालांकि मरने वालों की संख्या 26,282 पर पहुंच गई है। आपको बता दें, दिल्ली में कोविड कंटेनमेंट जोन की संख्या 316 है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो यहां एक दिन में कोविड 19 के 2,760 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 5 लोगों की मौत हुई है। इस बीच WHO ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक नए सब वेरिएंट BA.2.75 की पुष्टि हुई है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के ज्यादा संक्रामक सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 के मामले आए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब वेरिएंट के कारण गंभीर संक्रमण नहीं हो रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।